140 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। जबकि विधायिका की भूमिका सरकारी नीतियों को मंजूरी देने तक सीमित नहीं है, सरकार नौकरशाही तंत्र को निर्देश देती है कि वह विशिष्ट सार्वजनिक लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में काम करे। मुख्य रूप से यह दो स्तर पर होता है। पहला नीति तय करने के लिए, दूसरा कानून बनाने में किया जाता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, देश में नीति और कानून ज़्यादातर नौकरशाहों और व्यवसायियों द्वारा तैयार किए जाते हैं। विधायिका की जिम्मेदारी विधानों का पुनरीक्षण करने और यह सुनिश्चित करने की है कि कानून लोगों की रुचियों को ध्यान में रखकर तैयार किए जाएं। विधायिका सरकार पर नियंत्रण रखने और चौकसी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रति भी जिम्मेदार हैं। सुविचारित नीतियाँ और कानून सुशासन की कुंजी होते हैं और कानूनी गलतियों को बन जाने के बाद दुरुस्त करने की बजाय उनके निर्माण के समय विचार विमर्श के दौरान दुरुस्त करना अधिक आसान होता है। वैसे भी कानून पर उन अधि नियमों को कार्यान्वित करने के लिए नियम एवं नियम बनाने की आवश्यकता पड़ती है। इनको अधीनस्थ विधान कहा जाता है। चूंकि नियम नागरिकों पर कानून के अंतर्गत अंतिम प्रभाव का निर्धारण करते हैं, अतः विधायिका की यह जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि अधीनस्थ कानून विधानमंडल द्वारा पारित किए गए मूल अधिनियमों की भावना के अनुरूप हैं। महोदय, यहाँ यह कहना अनुचित होगा कि हमारे देश में विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों में इस बात के स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि उनका प्रारूप जल्दबाजी में तैयार किया जाता है और उनमें लागू करने वालों, प्रभावित व्यक्तियों एवं समूह दोनों के दृष्टिकोण में संसदीय जांच पड़ताल का अभाव नजर आता रहा है।